वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम यारिया फिल्म के बारिश गाने के बीट सिंक पर सेक इफेक्ट और पिंच इफेक्ट लगाकर एकदम कड़क और ट्रेंडिंग वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले। दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और जानने पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पेनेबल कर दीजिए। साथ में तेरे सारा दिन मेरा, इस जलते दिल की सिफारिश अब कर दे। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो के लिए एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों स्टेटस बनाने के लिए जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकी पिक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको क्रोम ब्राउजर में जाकर www.technoj.in सर्च कर लेना है या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पर जाने के बाद आज के वीडियो का थंबनेल देख लीजिए, उस थंबनेल पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो की पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको ऊपर सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट मिडल में ऑल मटेरियल्स और नीचे सेकी पिक प्रीसेट मिल जाएगी। आप सेकी पिक प्रीसेट और सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना होगा। सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इसमें हमारा यारिया सॉन्ग का बारिश सॉन्ग है और जहां पर भी बीट चेंज होते हैं वहां पर हमने ऑलरेडी बिटमार्क ऐड कर दिए है। दोस्तों इसमें कुल 44 बिटमार्क है 44, तो हमें 44 इमेजेस को ऐड करना होगा। दोस्तों मैं पहले बिटमार्क से आखिर वाले बिटमार्क तक सभी इमेज को ऐड करता हूँ। दोस्तों इमेज को ऐड करने के लिए आपको पहले वाले बिटमार्क पर आना है जो कि 29 सेकंड पर। वहाँ पर आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज जाने वीडियो में जाना है और जिन भी इमेज पर आपको स्टेटस बनना है उन इमेज को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम कीर्ति सेट्टी के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस HD क्वालिटी में चाहिए तो मैं इनको ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, सभी फोटोज आपके अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी अलग अलग से एक एक इमेज करके डाउनलोड नहीं करने होगी या फिर इस जिप फाइल में कोई भी पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे भी आप वीडियो को फुल नहीं देखते तो इसलिए मैंने पासवर्ड भी नहीं दिया है। दोस्तों इमेज को ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर जाना है और इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला उसको कट कर देना है। दोस्तों इस तरह से आगे वाले जितने भी बिटमार्क है और हमें 43 इमेजेस ऐड करनी होगी। दोस्तों मैं सभी इमेजेस को ऐड करता हूँ, तब तक की वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट लगा देने हैं। तो दोस्तों आपको सेकी पिक प्रीसेट को ओपन करना होगा। सेकी पिक प्रीसेट में दो इमेजेस है और दोनों भी इमेजेस में हमने अलग अलग इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले वाले इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर देना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद हमारे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को फिर से एक बार ओपन कर लीजिए। आपको आना है पहले वाले इमेज पे, इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। दोस्तों इस तरह से स्टार्टिंग वाले जो तीन इमेजेस है लगातार उन तीनों भी इमेज में हमें ये वाला इफेक्ट, पहला वाला इफेक्ट लगा देना है। उसके बाद जो चौथी इमेज है उसको छोड़ देना है। उसके बाद अगली वाले तीन इमेजेस है नेक्स्ट, उनमें हमें पहला वाला ए वाला इफेक्ट फिर से एक बार लगा देना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो स्टार्टिंग के तीन इमेजेस है वो ड्यूरेशन में छोटे हैं और उसके बाद जो इमेज होगी चौथी उसकी ड्यूरेशन इन इमेजेस के कंपेयर करते हुए ज़्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों आपको ये करना है जो भी इमेजेस है ये लगातार तीन जिनकी ड्यूरेशन कम है उनमें हमें पहला वाला इफेक्ट लगा देना है। इस तरह से आपको एंड तक यही प्रोसेस कर देना है, तीन में लगाना है, चौथी को छोड़ देना है। तो दोस्तों जो चौथी इमेज हमने छोड़ दी है उसमें हमें दूसरे फोटो वाला इफेक्ट लगा देना है। तो दोस्तों आपको फोटो पे क्लिक करना है दूसरे और इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद हमारे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। उसको ओपन करने के बाद आपको जो हमने जो चौथी इमेज छोड़ी थी उस पर क्लिक करना है उस इमेज पे और ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना। दोस्तों इस तरह से हमने तीन तीन करके इमेजेस में इफेक्ट लगा दिया था, पहला उसके बाद चौथी इमेज को छोड़ दिया, तो आपको बची हुई जो चौथी इमेज है उसमें ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है दो नंबर वाला। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रोसेस करने के बाद हमारे सभी इफेक्ट्स सभी फोटोज में ऐड हो जाएंगे। दोस्तों अब आपको स्टार्टिंग में आकर ओवरले इफेक्ट और पिंच को ऐड करना होगा। दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, इमेज जाने वीडियो में जाना है और मैंने जो आपको ओवरले इफेक्ट प्रोवाइड किया है या आप जो भी यूज करना चाहते हो अपने स्टेटस में उस ओवरले इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। दोस्तों मैं इस वाले ओवरले इफेक्ट को ऐड करना चाहता हूँ, वो आपको ऑल मटेरियल्स में मिल जाएगा। इस वाले ओवरले इफेक्ट को ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके फिर स्क्रीन कर देना है।
फिर स्किन करने के बाद नेक्स्ट वाले बिट मार्क पर जाना है, पहले वाले जो है 29 सेकंड पर, वहाँ पर आने के बाद इस ओवरले इफेक्ट का जो आगे वाला पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों एक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है प्लस के पे क्लिक करना है, इमेज जाना है, वीडियो में जाना है और एक और पीएनजी इमेज को हमें ऐड करना होगा। दोस्तों ये पीएनजी इमेज भी आपको ऑल मैटर्स में मिल जाएगी, इस वाली पीएनजी इमेज को आपको ऐड करना होगा। पीएनजी इमेज को ऐड करने के बाद इसकी साइज़ को आपको कम ज़्यादा करनी है तो कर सकते हैं, और इस इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला उसको कट कर दीजिए। एक कर लेंगे बाद दोस्तों देख सकते हैं आप काफ़ी कमाल का वीडियो हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम लोगो लगाना है तो लगा सकते हैं, वरना आपको वीडियो को सेव करना है तो आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना है, वीडियो क्वालिटी, वीडियो एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट सब कुछ सिलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों 1080 पिक्सल में वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।